तो दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर आप दर्शकों के लिए जो आपको बतानी है बहुत ज्यादा जरूरी, वो क्या है मतलब रश्मि देसाई को आप इतने अच्छी तरीके से देख लिया था कि किस तरीके से भैया डाइव क्या कहते हैं उसे डाइविंग करते हुए कहीं ना कहीं नजर आई, कौन हमारे रश्मि देसाई, ठीक है। लेकिन यार इनकी खतरा शो पर कहीं ना कहीं लग गई थी, इनके पैर में चोट, अब क्या करें यार, माशाल्लाह काम ही इतना करती हैं, खाली बैठने वाली है आदत, फोकट का खाने की वाली आदत नहीं है हमारी रश्मि देसाई में। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितनी मेहनत करती हैं रश्मि देसाई, ठीक है। लेकिन ऐसे में भैया अगर मेहनत करते हो तो एक चीज़ तो आपके लिए बनती है, वो है थोड़ा सा आराम करना, सुकून देना अपने दिमाग को बाबा, मतलब थोड़ा सा आराम करना, रिलैक्स करना। अब वो कहाँ गई है, अब रिलैक्स कर रही है हमारी रश्मि देसाई, इन्जॉय करते हुए थोड़ा बहुत नजर आई। मतलब यार जब हम रश्मि देसाई को इतना ज़्यादा इन्जॉय करते हुए या रिलैक्स करते हुए देखते हैं ना, दिल को कहीं ना कहीं सुकून मिलता है, ईमानदारी से बताऊँ तो, क्यों, क्योंकि यार लगी रहती हैं यार पूरे दिन। तो ऐसे हमारी रश्मि देसाई गई हुई है कहाँ पर, भोपाल। अब आपने स्क्रीन पर फोटो वीडियोस देख ही सकते हैं कि किस तरीके से इन्जॉय करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है हमारी रश्मि देसाई। हालांकि इसमें इनका फेस नहीं आया, लेकिन जो इन्होंने जो फोटोज दिखाए हाथ में, जो खजूरें दिखाई गई हैं, वो वहीं पर खाई जा रही हैं। अब इनको जिन्होंने ये दिए हैं वाहिद खान, इनके भाई हैं माशाल्लाह, उनको टेक भी करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हमारे रश्मि देसाई। सही है, रिलैक्स करते हुए कहीं ना कहीं दिख रही हैं। वैसे थोड़ा इन्जॉय भी करना चाहिए भाई, सारा दिन काम 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 करने से दिमाग भी हाइपर हो जाता है, और हम अपने रश्मि देसाई को इतना ज़्यादा परेशान तो भाई दे ही नहीं सकते। आपका इसमें क्या है कि ना, जो भी आपकी राय कमेंट करके फटाफट बताएं।